आ गया 56 वर्ग, कुछ खाएंगे पियेंगे फिर घर जाएंगे। गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे सुबह के 9 और हम लोग का सबका नाश्ता पानी हो गया और अभी हम लोग का कुछ काम नहीं है। और इधर देखिए मम्मी लोग वहाँ पे बैठी रही है क्योंकि अभी मम्मी जला रही है आगे और अभी बनाया हमको चावल। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, चैनल पे नया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो जब भी आए आप लोग को आसानी से मिले। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी देखिए सुबह सुबह अभी हम लोग चावल चढ़ा चुके हैं। ये देखिए अभी 1 घंटा लगेगा चावल होने में, 1 घंटा नहीं लगता, कम से कम 40 या 45 मिनट लग जाता है चावल होने में। और ये देखिए यहाँ ये दोनों क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? बर्तन धो रहे हो? हाँ, आज हम लोग के घर में ना गाइस सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो सोच रहे ना भाई लौकी लत को ही काट दे काट देना। ये गाइस अभी लौकी का डंडल कट चुका है, 2 ही कट हुआ है। तो देखिए इधर जो हम लोग लौकी के डंडल को लगाए थे ना बीज को, तो बहुत पतला हुआ है, बट इधर वाला देखिए कितना मोटा है। चलिए आप लोग को दिखाते सामने से, इधर का देखिए, इधर जो नीचे से ही मजबूत है भाई, वो तो एकदम लग रहा है कि मिर्गी रोग पकड़ लिया। ये देखिए कैसा है, तो इसी को सोच रहे आज बनाएंगे। तो मम्मी कट कर रही है, देख देख के कट कर रही है, जो पतला है उसी को कट किया जा रहा है। 2 ही 3 पीस डंडल काटे हैं गाइस। ये देखिए मम्मी बोल रही है अभी लौकी फल रहा ना, तो हम लोग नहीं कट करेंगे, अगर उसको कट करेंगे ना तो जो लत है ना पूरा मर जाएगा। और अभी हम लोग लौकी का डंडल को अच्छे से कट वट कर लिए हैं गाइस, देखिए। और देखिए हल्का हल्का पानी आ रहा है, ये सूख जाएगा ना तो फिर हम लोग किसी चीज़ में इसको रख देंगे, मतलब यानी लौकी का डंडल को, उसके बाद हम लोग सब्जी बनाएंगे। लौकी का डंडल अच्छे से बॉयल्ड हो चुका है गाइस, देख लीजिए पूरा बढ़िया से हुआ है। तो अभी हम लोग बड़ा सा कटोरी में इसको रख दिए हैं। और ये हम लोग का मसाला भून गया है, ज़्यादा नहीं मसाला ये किए हैं क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा ही सब्जी है। और इसमें पोस्तू भी जाएगा ना? क्या जाएगा? पोस्तू। हाँ पोस्तू जाएगा उधर, वो रेडी है, पोस्तू भी नहीं। ये देखिए हम पीस कर रखे हुए हैं, इसको भी 1-2 मिनट अच्छे से भूनेंगे गाइस, देखिए ताकि अच्छा सा ये जो मसाला है मैरिनेट हो जाए डंडल के साथ। आरू क्या है, कौन खाएगा? आरू खाएगा। कैसे खाएगा? अच्छे से भुनाई हो गया था गाइस। तो यहाँ पे देखिए अभी हम पानी में नहीं डाल दिए, ये पानी जैसे हल्का सूख जाएगा तो इसमें चल जाएगा पोस्तू। लौकी का डंडल बन के रेडी हो गया गाइस, देखिए क्या गजब का बना है भाई, आज तो मजा आ जाएगा दोपहर का लंच में, देखिए लाजवाब लग रहा देखने में भाई, खाने में कितना मजा आएगा। आपको भी नहा वहा के रेडी कर दिए गाइस, ये देखिए। और मम्मी अभी देखिए कंघी वगैरह इसको कर दे रही है, हम अभी कंघी कर दे रहे थे ना तो ये मेरे से कंघी नहीं करवाया, बोला दादी करेगा दादी। तो चलिए गाइस अभी जल्दी से नहाते वहाते फ्रेश हो जाते हैं, फिर आप लोग से एक ही बार सीधे लंच में मिलते हैं। नहा वहा के फ्रेश हो गए बढ़िया से और मेरा लंच भी रेडी हो गया। देखिए लंच में आप लोग तो देखे ये क्या बना है, और ये देखिए इनका भी खाना पीना हो गया है, साफ हो गया है। तो चलिए अभी हम भी जल्दी से लंच कर लेते, फिर आप लोग से एक बार सीधे मार्केट में मिलते हैं। सभी हम लोग निकलेंगे खावा के सीधे मार्केट। हम लोग को दोपहर को ही जाना था मार्केट, लेकिन अभी शाम हो गया है क्योंकि हम लोग खाना पीना करके सो गए थे। अभी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि अरब अभी भी सो रहा है, उसको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उसको ले जाने से बहुत परेशानी होती। तो चलिए अभी चलते हैं, है ना? चलिए चलते हैं, मेरा फ़ोन में गाना बज गया था। हम लोग के मानगो वाला हनुमान मंदिर के सामने कितना मस्त पंडाल बना है, यहाँ हर साल बनता है ना? हर साल। और इस बार अच्छा भी लग रहा है, पेड़ के ऊपर शिव जी, पेड़ के ऊपर शिव जी लग रहा है। और आज भीड़ देखिए गाइस, बाप रे इतना भीड़ है। पहुँच तो गए हैं लेकिन हम लोग को पार्किंग के लिए जगह नहीं मिला, उधर तो इतना भीड़ है कि जगह ही नहीं मिला, इधर घूम के आए, इधर रख लेंगे कहीं पे। यहाँ पे भी अपना स्कूटी को पार्क कर दिए हैं देखिए गाइस, और उस साइड अभी जाना है तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं उस साइड। और अभी दिया लेने रुक गए हैं गाइस, देखिए भानु चुन रही है दिया, अच्छा अच्छा देख के चुनो ठीक है, बढ़िया दिया है। लेकिन सामने कितना दिवाली घर बना हुआ है, कितना मस्त लग रहा है देखने में, देखिए 2 तल्ला बिल्डिंग भाई, मस्त लग रहा है।
भी हम लोग दिया वगैरह ले लिए हैं गाइस, तो आगे से हम लोग यहाँ भी दिया है, हर एक जगह दिया सेल हो रहा है। क्योंकि ये मूर्ति कितना मस्त लग रहा है देखने में। चलिए अभी आगे चलते हैं, आगे से कुछ और लेना है रुई वगैरह। रंगोली का पैकेट भी ले लिए हैं, देखे रंगोली का पैकेट भी ले लिए इतना सारा। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, हम लोग का सारा सामान लेना हो गया जाए, हम लोग को रास्ते ही नहीं मिल रहे, सिर्फ रुई ना नहीं लिए हैं और रुई ले लेंगे। इतना सारा दिया ले लिए हम लोग, 150 दिया लिए हैं और ये पहली बार रंगोली बनाएगी गाइस, पहली बार। और इतना भीड़ है ना, जगह ही नहीं मिल रहा जाने के लिए। ये अब कहाँ जा रही है मैम साहब। अभी हम लोग मार्केट करके बाहर निकल गए गाइस, देखें पीछे वाले रास्ते से। और ये भानु कहाँ चली गई, भुला जा रही है तुम, ये भुला जा रही है गाइस, किधर उधर चल जा रही है। और ये देखे भाई पटाखा, 5:30 के करीब बज गया गाइस, और देखे पूरा रात हो गया भाई, पूरा अंधेरा हो गया। रोड का साइड में आ गए हैं अभी, इधर देख रहे हैं झाड़ू, देख रहे हैं भानु देख रही है झाड़ू इधर। और यहाँ पे हम लोग का गाइस झाड़ू भी लेना हो गया, क्या झाड़ू दिखा। तो चलिए अभी चलते हैं, स्कूटी सामने ही है, किधर है भाई वो देखिए उधर है। चलिए अब चलते हैं सीधे घर। तो अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं और जाम देखिए। छप्पन भोग कुछ खाएंगे पियेंगे फिर घर जाएंगे। और इनका भी वेजिटेबल आ गया फ्रेंड्स, देखिए चटनी और वेजिटेबल। तुम्हारा फेवरेट चटनी क्या क्या कैसा है वेजिटेबल, हाँ ठीक लग रहा है। यहाँ पे हम लोग का खाना पीना भी हो गया गाइस, और अब चलते हैं सीधे घर। ओ आरफ के लिए हॉर्लिक्स लेना ना, ओ हम लोग आरफ के लिए हॉर्लिक्स भी लेना। पर यहाँ हम लोग रुक गए फ्रूट लेने के लिए, और अभी हम लोग पहुँच गए डिस्काउंट मेडिसिन मार्ट ना, और यहाँ से लेंगे हॉर्लिक्स। आरब के लिए हॉर्लिक्स ले लिए गाइस, ये देखिए। तो चलिए अभी चलते हैं जल्दी से घर। एंड फाइनली गाइस अभी हम घर पहुँच गए हैं, और ये देखिए आरब आज चुपचाप है, देखिए आज इसके लिए लेज ला कर रख दिए थे दोपहर में, तो ये लेज वगैरह खा के एकदम टंच है क्या। और मम्मी के लिए भी समोसा वगैरह ला दिए हैं, और ये देखिए मिठाई वगैरह लेकर आए हैं, रसगुल्ला एप्पल बनाना वगैरह रास्ते में लिए थे, और रात में पनीर बनेगा। ये देखिए सो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। आई होप आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। सो वीडियो को मैं एंड करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू।